झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम बर्थरी निवासी राधेलाल ने लिखित शिकायत पत्र मोठ पुलिस को देते हुए बताया कि दबंगों ने उसके खेत में आग लगा दी, जिससे उसके फलदार वृक्ष जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। मोठ पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के मुताबिक ग्राम बर्थरी निवासी राधेलाल ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी मेड़ पर घास में बगल की खेत वालों ने आग लगा दी, जिससे उसके फलदार वृक्ष जल गए। जब इसने इसकी शिकायत की तो उक्त लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मामले की सूचना को झांसी एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और मोठ पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया, जिसके बाद पुलिस ने एसएसटी समेत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भैया, शाम को तकरीबन 6 बजे राधेलाल ग्राम बर्थरी के आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि उनके खेत, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों के पौधे लगाए हुए थे, उन पर पड़ोस के खेत के घास मेड़ पे घास जलाई गई पड़ोस के खेत के व्यक्ति द्वारा, वो पूरे उनके खेत में पहुंच गई और उनके फलदार वृक्षों को नष्ट कर दिया। ये एप्लीकेशन देने आए शाम को करीबन 6 बजे। इसको कप्तान साहब ने बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल इस पर जांच करके विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस पे FIR दर्ज की गई है, मामले की जांच चल रही है। जैसा भी आगे जांच में आएगा, विधिक कार्रवाई आगे उसी अनुसार किया जाएगी।